फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि पीजीआई रोहतक की साइड से निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो डिस्कस करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ तो नहीं है, बट सिचुएशन को देखते हुए ये जो डिसीज़न है ये यूनिवर्सिटी को लेना पड़ा। मैं आप लोगों को बताऊँगी कम्प्लीट जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 8 तारीख को यहाँ पर एक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आप लोग बोल सकते हैं, पीजीआई रोहतक की साइड से जो है रिलीज़ कर दिया गया है। स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि जैसे कि अभी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अभी काउंसलिंग होगी एंड सब कुछ होगा, एंड वहीं से हमें कोविड जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिले। अभी हमें लगातार देखने के लिए मिल रहा था कि कोविड जो केसेस हैं वो डे बाई डे डबल होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था, लास्ट 24 आवर्स में जितने केसेस होते हैं नेक्स्ट डे उसे डबल हमें मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो है अभी हर चीज़ पे इफ़ेक्ट जो है होने वाला है, हर चीज़ पे इससे रिलेटेड जो रहेगा वो रहने वाला है। अभी इसमें यूनिवर्सिटी का कोई दोष नहीं है, बिकॉज गाइडलाइंस भी ऐसी हैं कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो उसी से रिलेटेड पीजीआई रोहतक ने एक न्यू नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया है कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो COVID-19 है, जो कोविड केसेस हैं, कोविड न्यू वेरिएंट के जो केसेस हैं कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से अथॉरिटी ने एक डिसीज़न लिया है। अथॉरिटी ने क्या डिसीज़न लिया है, जो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग टेम्परेरी टाइम के लिए स्टॉप कर रहे हैं, मतलब ये परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम के बाद अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है तो दोबारा से जो है सब कुछ स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी जो रहेंगे वो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 से एग्ज़ाम थे एंड उससे पहले हमें प्रैक्टिकल्स देखने के मिल रही थी, तो इसी ड्यूरेशन में प्रैक्टिकल्स थी उनको भी अभी जो है रोक दिया गया है। एंड यहां पर न्यू नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है कि अभी जो थ्योरी एग्जाम्स रहेंगे एंड जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहेंगे वो अभी नहीं होने वाले हैं, बिकॉज कोविड जो है सर्ज हमें देखने के लिए मिल रहा है, कोविड जो रहेगा केसेस हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिले, इस वजह से जो है कितने ज़्यादा मल्टीपल यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, लगातार पॉजिटिव जो है मिलने के चांसेस यहाँ पर हो रहे हैं, लगातार सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस वजह से जो है ये अथॉरिटी ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर सभी एग्ज़ाम्स के लिए है ये, जितने भी एग्ज़ाम्स एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डिसीज़न लिया गया है। एंड यहाँ पर मेनली वैसे तो मेंशन कर रखा है BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, बट जहाँ पे भी जो रहेगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी एग्जाम्स में रहे उन सभी जो एग्जाम्स को अभी टेम्परेरी समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए जो है स्टॉप कर दिया गया है। तो अभी इससे काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट होने वाला है, काउंसलिंग पोस्टपोन होगी, क्या होगा, तो सो स्टूडेंट्स मैं पहले भी आप लोगों को बता चुके हूँ कि काउंसलिंग ऑफलाइन होने के तो इस बार बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर भी कोविड था, इस बार भी कोविड है, एंड लास्ट ईयर में इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमें केसेस बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रहे थे। इस वजह से पीजीआई ने काउंसलिंग करवा दी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया था, बट इस बार हमें सर्च देखने के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे कोविड जो है वो केसेस राइज करने लगे हैं। तो इन फ्यूचर नेक्स्ट 10 डेज में, 15 डेज में आप लोग मान के चल सकते हैं क्या हाल होने वाला है। हर जगह आप लोगों को पॉजिटिव पेशेंट्स मिलेंगे, हर जगह पॉजिटिविटी ही होगी कोविड की। तो इस वजह से जो है फ्यूचर इन केसेस को देखते हुए अभी के लिए जो है ऑफलाइन काउंसलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बात करें ऑनलाइन काउंसलिंग, वैसे तो काउंसलिंग होगी ऑनलाइन, बट काउंसलिंग जो रहेगी वो कब तक होगी, कैसे होगी, या फिर इस नोटिस से काउंसलिंग जो है रुक जाने वाली है। सो स्टूडेंट, इस नोटिस से काउंसलिंग पे ऑफ कोर्स इफेक्ट तो होने वाला है, बट काउंसलिंग जो रहेगी वो यहाँ पर हाफ ऑफ द पोर्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑनलाइन बताया था कि ऑनलाइन होने वाला है, तो वो जो जो डिसीजन है या फिर वो जो काउंसलिंग है वो तभी स्टार्ट की जा सकती है जब कोविड के केसेस कम हो। ऑनलाइन काउंसलिंग भी तभी स्टार्ट की जाएगी। ऐसा क्यों है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग चॉइस फिलिंग कर लेंगे ऑनलाइन, आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगी ऑनलाइन, बट जो
लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो आप लोगों को फिजिकली जो है प्रेजेंट होना पड़ेगा पीजीएमएस रोहतक में। एंड फिजिकली प्रेजेंट होने की वजह से ऑफ कोर्स कोविड के केसेस यहाँ पर बढ़ने वाले, बिकॉज अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों के रिलेटिव्स, आप लोगों के पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा केसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वजह से पीजीआई जो है काउंसलिंग वाले इशू को नहीं उठा रहा है, काउंसलिंग जो है नहीं करवा रहा है, बिकॉज फर्स्ट राउंड होगा उसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सेकंड राउंड होगा उसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल होगा। ऐसा नहीं है कि सभी जो यहाँ पर लाइक राउंड से उनकी चॉइस फिलिंग करवा दो, सभी के लिए सीट अलॉट कर दो एंड देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता है। चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, इस वजह से काउंसलिंग पे जो है इफेक्ट होने वाला है इस नोटिस का। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आप लोगों को मैं अप टू डेट प्रोवाइड करती रहूँगी। इस वजह से आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।